सफल इंसान वही कहा जाता है जिसकी उड़ान आसमान से ऊंची हो लेकिन कदम जमी पर हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के उन संघर्षों के बारे में जिसके बारे में खेसारी लाल यादव ने कई मर्तबा कहा है और कई इंटरव्यूज में अपने उन संघर्षों को याद कर वो रोए भी हैं। लेकिन आज हम आपको उनके संघर्ष से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद शायद आपके आंखों में भी आंसू आ जाए। आज बात होगी खेसारी के उन दिनों के संघर्ष की जब वो दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में ही उन्होंने बाटी चोखा का भी ठेला लगाया हुआ था और चना भी बेचते, जो पैसे जुटते उनसे वो एल्बम निकालते। ये बात और थी कि इन एल्बमों को कामयाबी नहीं मिलती। कभी वो रामलीला के दौरान गाते, जितने भी पैसे जुटते खेसारी एल्बम दर एल्बम निकालते जाते। लेकिन कामयाबी थी कि खेसारी लाल यादव से कोसों दूर थी, तो कामयाबी को भी एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। आपके कदमों तले कामयाबी उन फूलों को बिछाती है जिनमें कांटे बिल्कुल ना हो, क्योंकि उन्हीं कांटों के राह पर चलकर ही तो आपने इतनी बड़ी कामयाबी पाई है। खैर, वो पल भी आया जब खेसारी लाल यादव ने अपने एल्बमों से कुछ कमाई की और उस कुछ कमाई में उन्होंने अपने माता पिता, भाइयों को, सभी को कुछ न कुछ दिया। अब बारी उनके जीवन साथी उनकी पत्नी चंदा की थी। खेसारी लाल इसी उधेड़ बुन में थे कि चंदा यादव को क्या दिया जाए। इसी बीच उन्हें एक साड़ी दिखी और उन्होंने चंदा यादव के लिए वो साड़ी खरीद ली। जब वो साड़ी उन्होंने चंदा यादव को दी और उन्होंने ये कहा कि ये उनकी पहली कमाई की पहली गिफ्ट उनके लिए है, और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव भी रोने लगे। उस वक्त खेसारी लाल यादव ने पत्नी चंदा यादव से जरूर कहा होगा कि बस थोड़े ही दिन और, जिस दिन हमारे किस्मत का तारा चमकेगा उस दिन हम बुलंदियों पर होंगे। इस पूरे संघर्ष में खेसारी कहते हैं कि पत्नी चंदा यादव उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। खेसारी कहते हैं कि चंदा ने उनके दुख सुख और संघर्ष के सबसे कड़े दिनों में उनका साथ दिया है। आज मेरी बारी है कि उसे सूद समेत सब कुछ लौटाया जाए और खेसारी इसमें खरे भी उतर रहे हैं। भोजपुरी जगत के हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।